तब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसको रीस्टोर किया, फिर रोका और कहा कि जो हमारे आदिवासी समाज के भाई हैं, दलित वर्ग के भाई हैं, इनका सम्मान बचे रहना चाहिए। क्योंकि साथियों, इस देश में कोई दूसरे के लिए काम करने नहीं आया था। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक इस देश में राज किया, लेकिन इस देश में क्या था, कभी 2G था। 2G का मतलब, मैं कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, दो जनरेशन की पार्टी थी, बाप और बेटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज संत रविदास महाराज जी जयंती पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचे। सभा को संबोधित करने के दौरान सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफ करते नजर आए सम्राट चौधरी। कहते नजर आए कि नीतीश कुमार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा उपलब्ध कराई, साथ ही आरक्षण को लेकर भी बड़ी बात कहते नजर आए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, जब तक जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, वो लोग मुख्य धारा में शामिल नहीं हो जाते, तब तक देश में आरक्षण रहेगा। सभा को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। तब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसको रीस्टोर किया, फिर रोका और कहा कि जो हमारे आदिवासी समाज के भाई हैं, दलित वर्ग के भाई हैं, इनका सम्मान बचे रहना चाहिए। क्योंकि साथियों, इस देश में कोई दूसरे के लिए काम करने नहीं आया था। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक इस देश में राज किया, लेकिन इस देश में क्या था, कभी 2G था। 2G का मतलब, मैं कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, दो जनरेशन की पार्टी थी, बाप और बेटा। जो बिहार में आप देखते होंगे कि राजन वाले लोग पहले बाप, फिर माता जी, अब बेटा जी, ये दो जनरेशन का राजनीति है। और किसी जगह 3G चला है। 3G कहां चल रहा है? 3G तमिलनाडु में चल रहा है साथ। तमिलनाडु में तमिलनाडु दीदी आए, एमके स्टेलिन आए, अब उनका बेटा एक स्टेलिन आया जो सनातन को रोज गाली दे रहा है। और कुछ जगह तो 4G भी चल रहा है। 4G का मतलब समझे, चार जनरेशन। मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी, यही है 4G। अब कौन जी चलावे इस देश में, ये तो लोकतंत्र तय करता है साथियों। लेकिन हम सभी भगवान संत रविदास के अनुयायी से आग्रह करना चाहते हैं, इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब 2014 में आपकी कृपा से बना, आपके आशीर्वाद से बना, तो इस देश में एक समान चीजों को खड़ा करने का प्रयास किया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास, ये देश में व्यवस्था खड़ा करने का काम किया। आज देखिए, इस देश में गरीबों को 1,79,00,000 लगभग 2 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 लाख का इलाज भी हम उनका बिहार में आयुष्मान भारत के माध्यम से करने का काम करें। खाना भी खिलाना नरेंद्र मोदी की सरकार का काम है साथी। और बिहार में आज नीतीश कुमार जी के साथ हम सरकार में आयुष्मान भारत पिछले कई वर्षों से यहां लागू नहीं हुआ था, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी। अब गरीबों के इलाज की भी चिंता शुरू हो गई। और 2 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे, 2 तारीख से इस बिहार में जो भी गरीब होंगे, जिनको भी 5 किलो का अनाज मिलता है, उनको मोदी जी की गारंटी है कि उनको 5 लाख तक का इलाज भी सरकार की व्यवस्था से खड़ा करने का काम किया। एक तरफ कौन खड़ा है,
कोई पार्टी करेगी तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस विचारधारा को आगे ले जाना और हमारे जो साथी है एकदम स्वस्थ रहिए। अब तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आगे के दिनों में तय कर दिया है कि डीलिमिटेशन के बाद इस देश में हमारी बहनें भी मुख्यधारा में आएंगी। आज हमारा रिजर्वेशन बिहार में मात्र 16% था, आज जनसंख्या आबादी पता चल गया कि बिहार में एससी और एसटी वर्ग के लोग लगभग 22% की आबादी है, जिसको भी विधानसभा लोकसभा में अगले डिलिमिटेशन में करके 2019 के पहले जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, जो हमारे दलित वर्ग के साथी हैं, उनको पूर्ण रूप से आरक्षण मिलेगा और हमारी बहनें भी 33% का आरक्षण उनको भी देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार। लोग चाहते रहते हैं इसका सपना तो राजीव गांधी ने देखा, इसका सपना तो इंदिरा गांधी ने देखा, लेकिन इस देश में सपना पूरा करने का काम सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, वो है मोदी जी। और मोदी जी ने जो सपना है सबका पूरा करने का काम किया सर। लोग कहते थे गरीबों के घर में बिजली कैसे जलेगा, सिर्फ अमीरों के घर में जलेगा। लोग नेता लोग सिर्फ बोलते रह गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो राष्ट्रीय जनता दल हो, लालू जी सिर्फ बोलने के लिए जाने जाते थे। 15 साल तक ठहरा हुआ बिहार का, आज नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार मिली तो अब बढ़ता हुआ बिहार दिख रहा होगा, अब सुशासन भी स्थापित हो रहा है, कोई गुंडों के लिए जगह नहीं है साथी। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया और डीजीपी साहब को भी बुलाकर कह दिया भाजपा का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, एक एक अपराधी को चुनिए और उनको हर हालत में, जो माफिया लोग हैं चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, उनको बिहार से भगाने का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग, क्योंकि हम तो कमिटमेंट वाले हैं, हम 70 वर्ष के बाद भी बदलते नहीं है साथ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1952 में संकल्प लिया था अखंड भारत का, लेकिन पूरा नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम बदले नहीं, विचारधारा नहीं बदले, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जरूर लागू किया, इसलिए हम कहते हैं कमिटमेंट। भाजपा जो कमिटमेंट करती है उससे पीछे नहीं आएगी। और साथियों आपने देखा 2016 तक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाने, घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम करें, गांव गांव घर घर तक पानी पहुंचाने का काम, एक एक घर में, देश के एक एक घर को, हमारी जो गरीब बहने थी उसको घर तक शौचालय पहुंचाने का काम करें। इसलिए मैं यही आग्रह करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि संत रविदास जी के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं, हम लोग भी विकसित बिहार बनाएंगे और विकसित बिहार में एक एक वर्ग को एक एक स्थान देकर समाज के एक एक व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए। और रोजगार चिंता मत कीजिएगा, रोजगार पहले भी हमारी प्राथमिकता थी। 2020 में हम लोगों ने तय किया था कि 7 निश्चय पार्ट 2 में 10 लाख लोगों को रोजगार देना है, नौकरी देनी है, पक्की नौकरी उसको भी पूरा करना है। अभी तक जो हमारे अधूरे सपने रह गए, आज भी मैं जब यहां आ रहा था तो हमने अभी लघु उद्यमी योजना की शुरुआत किया और लगभग सनावाजी लगभग पहले से काम कर रहे थे, आज हमने लघु उद्यमी योजना के माध्यम से 50,000 लोगों को 50,000 रुपया देकर 2 लाख रुपया तक के लिए उनको सहायता दिया जाएगा कि वो एक योजना और अपने घर में उद्योग चलाने का काम शुरुआत कर सके। और योजना के तहत लगभग 94 लाख परिवार को पूरे बिहार में गरीबों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 1 लाख परिवार को इस साल हम लोगों ने तय करने का काम किया है और आगे इसको लेते जाएंगे। 5 साल में सभी 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए का सहायता देकर
उनको उद्योग के मुख्य धारा में लाने का काम किया है। और हमारा मानना है कि सरकारी नौकरी तो मिलते रहेगी, लेकिन दुनिया में यदि आगे बढ़ना है, यदि स्टार्टअप करना है, आगे विकसित बिहार बनाना है, तो जिस तरह आप देखते होंगे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान किस तरह आगे बढ़ने का काम किया है, और वो अपने नौकरी को छोड़कर दूसरे को नौकरी देने की शुरुआत किया है। इसलिए आज संत रविदास जी के विचारधाराओं के साथ गरीबों का विकास हो, गरीबों की चिंता हो, यही हम लोगों की सरकार की प्रेरणा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये भारत भी श्रेष्ठ होगा और बिहार भी श्रेष्ठ होगा। उनके विचारों को आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते रहेगी। आप सभी साथी यहाँ आए सबको मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।